मैं आपको बता रहा हूं, आप 50 60 70 नंबर से भी इन 50 दिनों में आराम से 150 160 180 190 तक भी पहुंच सकते हो। तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज से एग्जैक्टली 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में जेई मेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया, जहां पे ये लिखा जा रहा था कि इस साल एज कम्पेयर टू 2021 जहां पे जेई मेन 4 बार हुआ था, इस बार जेई मेन 4 बार नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। आप में से बहुत से लोग आशा लगा के बैठे थे कि यार 4 जेई मेन में मतलब 4 मौके मिलते हैं अपने स्कोर को सुधारने के। जेई मेन एक ऐसा गेम है जहां पे इट इज द बेस्ट परसेंटाइल रूल। अगर आपकी मान लीजिए एक बार 80% है, अगले बार 99% है, so that 80% gets discarded। आप अगर लोगों को बोलोगे कि मैंने 80% वाला attempt नहीं भी दिया है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब आपके final result में reflect होने ही नहीं वाला है। so definitely people assume कि 4 attempt better होता है 2 attempt से, but reality क्या है आज इसको हम समझने वाले हैं। और 2022 के सिनेरियो में जहां पे अगर मान लेते हैं आपका 2 अटेम्प्ट होता है, किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, किसके लिए डेडली होने वाला है? फ्रेशर्स यानी कि जो पहली बार जीवन दे रहे हैं उनके लिए फायदा है, या फिर जो ड्रॉपर्स है जो पहले दे चुके हैं और इस बार उन्हें बोर्ड्स का रैथ फेस नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए फायदा है। वीडियो को आखिर तक देखना, मेजर इनसाइट्स है वीडियो में और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को अगले 50 60 दिनों तक के लिए मेंटेन करना है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 4 अटेम्प्ट्स वर्सेस 2 अटेम्प्ट्स। अगर मैं बात करूं 4 अटेम्प्ट्स की, तो अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि आपके आखिरी के 2 अटेम्प्ट्स प्रैक्टिकली यूजलेस रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें 0.5 से लेके 1% लोग ही अपना जो परसेंटाइल है सुधार पाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा ड्रास्टिकली। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज। लेकिन अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि अगर आपके इस बार जो 2 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली यूजलेस है, क्योंकि द मेन मोटिव फॉर जेई मेन को 2 बार कंडक्ट कराना एंड 4 बार कंडक्ट कराना एज कंपेयर टू ओनली इट्स कंडक्ट वंस अ ईयर वॉज कि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल सके जेई मेन के बीच में, और जितने भी बच्चे बोर्ड दे रहे हैं वो अपने आप को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। पहले क्या होता था 2017 2016 के टाइम में आपका बोर्ड खत्म हुआ, सीधा आपका जेई मेन आ गया। बट इस साल 2022 में क्या होने वाला है देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 जेई मेन के अटेम्प्ट होते हैं, एक होगा अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली, एक होगा मई में मोस्ट प्रोबेबली, 10th और 12th के बोर्ड्स आपके अप्रैल 26 से चालू हो रहे हैं। अप्रैल 26 मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में तो आपका जेई मेन अब नहीं हो रहा है, तो मान के चलते हैं आपका जेई मेन फर्स्ट और सेकेंड वीक में ऑप्टिमली कंडक्ट हो जा रहा है। तो जो बंदा अब 12th में होगा, तो उसको तो अब जेई की भी तैयारी करनी है, उसको तो बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। फर्स्ट जेई मेन का अटेम्प्ट मान लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में हो गया, उसके बाद अगर उसको मई में जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट देना भी है, तो वो किसकी प्रिपरेशन करेगा, बोर्ड्स की या जेई की? उसको बोर्ड्स में भी तो नंबर लाने हैं। 75% वाला रूल इस साल भी स्क्रैप हो गया है, मेरे को पता है, बट द थिंग इज कि अगर आपको यहां पे ठीक है बोर्ड छोड़ के जेई में फोकस करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपको बोर्ड में भी अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड भी साल में एक ही बार होता है। ठीक है, आप ड्रॉप ले सकते हो, जेई अगले साल दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट बोर्ड आप एक ही बार दे सकते हो कन्वेंशनली। सो दैट इज द थिंग कि इस बार भी 2 जेई मेन अगर कंडक्ट कराना भी था, तो एक या तो आप फेब्रुवरी या मार्च में करा लेते, अप्रैल और मई में उतना प्रैक्टिकली आप देखोगे 1 महीना बंदे को इंप्रूव करने को मिलता है, लेकिन जब वो 1 महीना भी आपका बोर्ड्स कंज्यूम कर जाएगा, तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल तो वो जेई मेन का अटेम्प्ट बचा ही नहीं। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए आपके पास 50 दिन बचे हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी परसेंटाइल एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, अभी आप सोच रहे हो कि यार 50 60 70% बनने वाले, क्योंकि मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। मैं जब मॉक्स दे रहा हूँ फुल कोर्स वाले, मेरे नंबर आ रहे हैं 30 40 50 60 70 80 मैक्स,
तो यहां से तो कोई बंदा 99 के बारे में सोच नहीं रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इन 50 दिनों को भी ढंग से अगर यूटिलाइज करोगे, क्रैश कोर्स के पीछे नहीं भाग के, अगर अपने स्टडी आवर्स जो है वो बढ़ाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, प्रीवियस मॉक्स एनालाइज करोगे, प्रीवियस मॉक्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको बैठ बैठ के घंटे भर आप सॉल्व करोगे, सोचो कि ये सोल्यूशन कहाँ से आया, इसके और ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप 50-60-70 नंबर से भी इन 50 दिनों में आराम से 150, 160, 180, 190 तक भी पहुंच सकते हो। तो प्लीज हार मत मानो यार, ये हार मानने का टाइम नहीं है आप सबके लिए। आप में से जितने भी लोग अभी सोच रहे हो कि यार हम गेम में बने हुए यार, लेकिन तब भी यार एक राह नहीं दिख रही है कि यार 95-99% बैरियर के अंदर कैसे घुस सके। आई एम टेलिंग यू, दीज 50 डेज आर इनफ फॉर यू। मैंने बहुत सारी हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है और मैं आज ही एक और वीडियो निकालने वाला हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे मोस्ट निग्लेक्टेड हाई वेटेज टॉपिक्स है जिसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटीड है और आप इन चैप्टर्स को एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो सोचो आपके पास तो 50 दिन है, आप 50 दिन में कितने चैप्टर्स खत्म कर सकते हो एकदम मोटिवेशन के साथ और सारे PYQs और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, हॉट क्वेश्चंस है, उनको बना के कि आप कितना सुधार सकते हो। ठीक है, सो मेरी राय अगर मानो, मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा फ्रेशर्स के लिए कि प्लीज टारगेट द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन। सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते आपका माइंड एग्जॉस्ट रहेगा क्योंकि आप जेई मेन का पहला अटेम्प्ट दे चुके होते हैं। आप दे के आते हो, जब तक रिजल्ट नहीं आता उसका आपके दिमाग में 100 चीजें चलते रहती है। उसके बाद आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, बोर्ड जैसे ही खत्म होगा वापस आपको जेई मेन की तैयारी करनी है। अगर आप जेई एडवांस आपका मेन एम है तब तो आपको जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना ही पड़ेगा बहुत अच्छी पर्सेंटाइल के साथ। क्यों? क्योंकि जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस के बीच में हार्डली आपको एक महीना मिलने वाला है, एंड दैट वन मंथ इज नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट टू गेट अ ट्रिपल डिजिट रैंक और रैंक 5000 के अंदर में। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेशर स्पेसिफिकली कि जो अगले 50 दिन है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब बात करते हैं कि यार अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आपको बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करनी है, जेई मेन आपका फोर्टे है, लेकिन आपके लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आपके पास एक एडवांटेज है कि यार ठीक है, जो नेक्स्ट वन मंथ है दो जेई मेन अटेम्प्ट्स के बीच में, आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि आपका एक ही गोल है, आपको दो तरफ जाना नहीं है। ठीक है, तो आप अभी के लिए क्या कीजिए, थोड़ा बहुत जे एडवांस की तैयारी भी चालू कर दीजिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई ड्रॉप लेता है तो उसका अल्टीरियर मोटिव जे में नहीं होता, उसका जे एडवांस ही होता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हो गए, और भी जितना आपके टाइप के क्वेश्चंस है उन सबको प्रैक्टिस करना चालू करो। और मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ चमत्कार नहीं होते हैं एक महीने में, स्पेसिफिकली आपको बीच में बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, बट एक टिप जो मैं सारे सीबीएसई कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ वो ये है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी प्लीज दया करके एक बार चाटना चालू कर दो, क्योंकि आप एक तीर से दो निशाने मार लोगे इससे। ठीक है, आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर लोगे, आप जेई की भी तैयारी कर लोगे इससे। सो प्लीज केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज द ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ। कैसे प्लान आउट करना है, जैसे मान लो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी सुबह के 5 बजे, ठीक है, आप में से बहुत से लोग रात वाले हो जो रात को जग लेते हैं 3-4 बजे तक, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो सुबह 4-5 बजे जग लेते हो। ठीक है, मैं बस चाहता हूं जो लोग रात को जग लेते हैं वो रात को सोने के पहले 2 घंटे एनसीईआरटी की रीडिंग करें, और जो लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं 4 या 5 बजे, मैं चाहता हूं आप लोग सुबह उठ के 2 घंटे एनसीईआरटी की रीडिंग करो। इससे फायदा क्या होगा, आप अगर अगले एक महीने एनसीईआरटी की रीडिंग ढंग से करोगे ना, आपका जेई मेन का जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा कि यार हाँ यार अब एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे फिजिकल ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबमिट से बन जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी A1 लेवल की हो रही है। नॉर्मली आपको बोर्ड्स के बीच में बहुत गैप मिलता है, जब मेरे भी बोर्ड 2017 में थे मुझे ऑन एन एवरेज हर पेपर के बीच में 6 दिन का गैप मिला था, और उन 6 दिन में से भी मैंने 3 दिन जेई को दिए थे क्योंकि मेरे बोर्ड्स खत्म होने और मेरे जेई के तब एक ही अटेम्प्ट होता था, मेरे जेई के लोन अटेम्प्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप था। फ्राइडे को मेरे बोर्ड्स खत्म, सैटरडे को छुट्टी और संडे को मेरा जेई मेन। ठीक है, मुझे आज भी याद है मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ था, मेरा लास्ट पेपर था 31 मार्च को, 1 तारीख को छुट्टी और 2 अप्रैल 2017 को मेरा जेई मेन था। तो मैं आपको इसीलिए ये चीज बता रहा हूं कि आप भी बहुत लोग
इसी सिचुएशन में आने वाले हो, जेई मेन बोर्ड के बीच में फंसने वाले हो, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रखो। दो अटेम्प्ट्स है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पहला अटेम्प्ट हल्के में ले लो। पहला अटेम्प्ट मेक और ब्रेक होने वाला है आप लोग के लिए, तो अपने प्रिपरेशन लेवल जोरों शोरों से बढ़ा दो। आपके लिए मोस्ट निग्लेक्टेड हाई वेटेज टॉपिक्स मैं लाने वाला हूं। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोग एक दिन में खत्म कर सकते हो। कम्युनिकेशन जस्ट चैप्टर आप एक दिन में खत्म कर सकते हो और वहां से एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही है। इसीलिए बोल रहा हूं, फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। यहां पे सारे अपडेट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, सारे स्ट्रेटजीज टिप्स भी आपको एकदम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिलने वाली है। ठीक है गाइस, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब से अलविदा लेने का। अलविदा।